बड़ी खबर आपको दे दे, यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। वी रिस्पेक्ट आवर फ्रेंड्स पार्टनर्स हु आई बिलीव आर सिंसियरली इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग ऑल इश्यूज रिलेटेड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज प्राइमरली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ब्राजील, इंडिया। रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। आपने मुझे मजबूर कर दिया, मेरे पास जो मतलब सैकड़ों शवाहिद मौजूद हैं ये कहने को कि आपकी जुबान काली है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शांति के प्रयासों में असफल साबित हुईं, तो पिछले 3 महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के गंभीर प्रयास किए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ये कंफर्म्ड हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर कह दिया है कि वो यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर ब्रेक लगा सकते हैं। क्योंकि आपकी काली जुबान इस कदर काली है कि हमेशा बुरी चीजों के लिए प्रेडिक्ट करती है, कभी अच्छी चीजों को प्रेडिक्ट करे तो मैं उसकी तारीफ करूं। इतना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का जरूर रोल आगे हमें नजर आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफी ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी शांति के प्रयासों में असफल रहीं, तो पिछले सिर्फ 3 महीनों में भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया जिसे देखने के बाद आज पूरी दुनिया हैरान रह गई, परेशान रह गई। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरकार ये कह दिया कि हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकना चाहते हैं। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अगर भारत, चीन और ब्राजील चाहे तो हम इस जंग को रोक सकते हैं। और आज इसी स्टेटमेंट को लेकर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है। जी हाँ, क्योंकि पिछले 3 महीने से सिर्फ भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने का प्रयास कर रहा था। खैर दोस्तों, अब छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है, या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं और अब ये वॉर जो है ये रुक जानी चाहिए। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं, और आप उनकी जितनी चाहे उनके पोजीशन हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे होपफुली। और साथ ही साथ उनको हर जगह, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पॉर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए कि किसी भी जगह पे वॉर हो रही हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, किसी भी रीजन में हो रही हो, वहां पे अगर कोई वॉर को रुकवाने में अपना कोई रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन खैर, रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी एक तरह से इस बात की तरफ इशारा किया है कि यूक्रेन के साथ वॉर जो है उसको रोकने में नरेंद्र मोदी जी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी, इस बात से पता चलता है कि रशिया भी अब इस तरफ पॉजिटिवली सोच रहा है कि वॉर को रोका जाए। बहरहाल हम देखते हैं, इस खबर के ऊपर हमारी नजर आएगी। बात करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जी DGISPR जी अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, सॉरी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की है। और उस प्रेस ब्रीफिंग में जी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि पाकिस्तानी फौज यानी पाकिस्तान की जो फौज है किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही हामी है। यानी कि उन्होंने ये कहा
कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। क्या मस्त जोक मारा है सर, एक और प्लीज। यानी कि ये बात जो है ये तो कोई स्कूल का बच्चा भी नहीं मानेगा सर, जो आज आपने ये बात की है कि जी पाकिस्तान की फौज जो है ना किसी को सपोर्ट कर रही है और ना किसी के मुखालिफ है। सर आप सपोर्ट करते हैं तो आप